मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर तस्वीर को लेकर संग्राम मचा हुआ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी तल्खी बढ़ गई। सत्र के पहले दिन भी सियासी बयानबाजी हुई तो वहीं तीसरे दिन भी इस पर माहौल गर्म दिखा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उनकी जगह संविधान निर्माता डॉ अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की फोटो से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटा दिया गया जो कि गलत है। हालांकि भाजपा का कहना है कि संविधान निर्माता की तस्वीर लगाना सही कदम है। क्या कांग्रेस बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है? तो तस्वीर पर संग्राम जारी है, जहां भाजपा कह रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर थी वो काफी पुरानी हो गई थी इसलिए उसको हटाया, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया दी उनकी फोटो लगा दी जाती है तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि यदि आपको फोटो लगाना ही था तो आप कहीं और भी लगा सकते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश के पहले प्रधानमंत्री की हटाकर ही क्यों उस जगह पर लगाई गई। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों एक दूसरे पर अभी बयानों की बौछार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि हम लगाएंगे दोबारा से प्रतिमा, दी हमारी मांग नहीं मानी गई तस्वीर, और बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस बाबा साहब का सम्मान नहीं करती। जो रणनीति है वो विरोध की है और जिस तरह का ये विरोध है ये बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और खास तौर पे उनका कहना ये था जो तस्वीरें हैं जो फोटो हैं उसमें इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे सीधे तौर पे जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी तस्वीर को अलग कर देना ये ठीक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से वो कहते आए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए हैं और कोशिश करते हैं उनसे इस संदर्भ में रिएक्शन लेने की, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है उसके बाद में आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो तस्वीर बदली गई है, कांग्रेस इसमें लगातार मांग करी कि तस्वीर वही होनी चाहिए और दोबारा से उसे लगाया जाएगा, यदि मांगे नहीं मानी गई। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस बाबा साहब का सम्मान नहीं करती। कुणाल जी क्या समझ रहे हैं इसे लेकर? जनता पार्टी किसी भी महापुरुष का सम्मान नहीं करती और यही कारण है कि जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्टों की चीजें लाने की कोशिश करती है। बाबा साहब का सम्मान है, उनकी फोटो और अच्छे से लगाना चाहिए और पूरी विधानसभा में जगह है और वहां पे भी लगाना चाहिए, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, आज तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये संविधान बदलने की बात करते रहे और आज कहीं ना कहीं वो उसको बदला। क्या इनको नेहरू जी से इतनी दिक्कत क्या है? इस देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश की उन्नति तरक्की और देने का काम करा, आज उनके फोटो को हटा के किस परिपाटी को ये पालना चाह रहे हैं, किस परिपाटी को ये डालना चाह रहे हैं, किस तरह की स्थिति परिस्थितियां, ये मूल मुद्दों से भाग रहे हैं। इस विधानसभा के अंदर ये तो नहीं बता पाए अभी तक, कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 3,000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, लाडली बहना को अभी तक मिले, आपने बड़े 450 में गैस की टंकी मिलेगी इसके ऊपर तो बात नहीं कर पा, 2700 रुपये क्विंटल गेहूं मिलेंगे, 3,000 रुपये क्विंटल में धान मिलेगी, तो ये इसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, पर बात कहां तक कर रहे हैं कि बस इधर से इधर के ऊपर कांग्रेस को। अरे सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार इनके इसमें हो रहा है और बाबा साहब की ये मूर्ति, ये मूर्ति लगाने हटाने का बात नहीं है, विषय ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की आजादी उन्नति और तरक्की में योगदान दिया, किस गणित मानसिकता के साथ ये काम करा गया और क्यों करा गया। अच्छा कुणाल जी, बीजेपी कह रही है कि तस्वीर पुरानी थी और हमने उसे बदला, रही बात प्रथम प्रधानमंत्री की तो इस तरह से तो प्रथम राष्ट्रपति की भी लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर तो नहीं लगा दी, हमने तो लगाई है, वो तस्वीर बाबा साहब की है, बाबा साहब का सभी सम्मान करते हैं, हम जिस सदन में बैठे हैं वहां उसी संविधान की बात होती है, उसी संविधान के अनुरूप सब चलते हैं, तो उनकी तस्वीर में दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस को? लगाई तो और लगा दे, बाबा साहब की तस्वीर और लगा देना चाहिए, बिल्कुल क्या दिक्कत है उसमें, कोई तकलीफ नहीं है, पर नेहरू जी की हटा के, मतलब आप ये देश के अंदर उन महापुरुषों में नेहरू, गांधी, पटेल, बाबा साहब, इनको अलग चश्मे से देखना चाहती है बीजेपी, ये जबकि एक साथ मिलके इस देश की आजादी उन्नति और तरक्की में योगदान दिया और एक साथ मिलकर इन्होंने काम किया
और इसको जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनके तो कोई महापुरुष है नहीं जिन्होंने आजादी के अंदर योगदान दिया, किस किसकी बंद लगाने की बात करेंगे। और अच्छा, आप इस विषय को कहां तक लेकर जाएंगे कुणाल जी, अब जब आपने भी कहा कि नहीं जो है ठीक है दूसरी जगह लगाई जा सकती थी, अब चूंकि लग गई है, और क्या नेहरू जी की तस्वीर कहीं और लगाई जा सकती है, या आपने कहा कि जो जरूरी मुद्दे उन पर तो बात करते नहीं, तो क्या विपक्ष करेगा उन मुद्दों पर बात? अब विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, ये आप समझिए एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश के मूल मुद्दों से भगाने के लिए जिस तरह की कोशिश करी जाती है वो एक कोशिश करी जा रही है। कुणाल जी, अभी आपने एक बात कही थी कि देखिए उनका जो संविधान बनाया उसका पालन तो करते नहीं है, लेकिन तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो नेहरू जी ने भी जो कदम बढ़ाए आगे वो बजाए ये हमारे वर्तमान के जो युवा हैं, जो हमारा भविष्य है, उनमें वो विचारधारा आगे बढ़े, तस्वीर से कुछ नहीं होता, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल, नेहरू जी की तस्वीर हटा के ये नेहरू के बराबर नहीं हो सकते। अगर इस देश को आजादी के आंदोलन देने वाले, भाखड़ा नंगल डैम देने वाले, नौरत्न कंपनियां देने वाले, इस देश की जो मतलब आंखें जिन्होंने दी, वो आंखें देने वाले इन्हें पसंद नहीं, तो इनकी समस्या हो सकती है। इस देश की समस्या नहीं है कि मतलब इस देश के अंदर नेहरू बहुत बड़े हैं, नेहरू इज बिग। नेता प्रतिपक्ष ने लेकिन एक बात कही, उसके बाद भी बवाल है कुणाल जी, बहुत संक्षेप में आपसे चाहेंगे, उन्होंने कह दिया कि ये तो गोडसे की भी लगा देंगे, तो क्या बाबा साहब की तुलना आप गोडसे से करते हैं? नहीं, गोडसे से तुलना नहीं कर रहे, बीजेपी अभी कुछ दिन बाद कोशिश करेगी सब महापुरुषों को हटा के गोडसे के, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन को कुचलने का काम करा, जिन्होंने इस देश में महात्मा गांधी की हत्या, एक व्यक्ति जिन्होंने आजादी के आंदोलन में इनका पार्ट करा ये बता नहीं सकते और ये बातें करते हैं। ये स्पष्ट है कि देश के अंदर हालात जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी कर, तस्वीर में जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तो बात बनेगी, वरना तो ये विवाद बढ़ता रहेगा, और वाकई में मध्य प्रदेश की जो जनता के वाजिब मुद्दे हैं उन्हें कब उठाया जाएगा, क्योंकि सत्र भी छोटा है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद कुणाल जी हमसे जोड़ने के लिए।